5 फिरोजशाह रोड नई दिल्ली, ये है अरविंद केजरीवाल का नया पता। दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री, जो अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनका ये नया घर है, नया पता है। दरअसल ये आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को घर आवंटित है एक सांसद होने के नाते, तो उसी घर में अरविंद केजरीवाल शिफ्ट हुए हैं। इसके फ़ायदे अरविंद केजरीवाल के लिए क्या हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। पहला, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से ही विधायक हैं, तो ये जो इलाका है लुटियन जोन का इलाका है, ये सारा नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के तहत आता है। तो अरविंद केजरीवाल ये मान के चलिए एक तरह से अपने विधानसभा क्षेत्र में ही आ गए हैं जहाँ से अरविंद केजरीवाल विधायक हैं, नंबर एक। नंबर दो, अरविंद केजरीवाल जिस जगह पर अब आकर रहने लगे हैं, यहाँ से आम आदमी पार्टी का जो अब मुख्यालय है एक रविशंकर शुक्ला लेन, ये पैदल का ही रास्ता है। तो अब ये समझिए कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और आम आदमी पार्टी के मुख्यालय की जो दूरी है वो बिल्कुल नगण्य हो गई है, वॉकिंग डिस्टेंस है। पैदल चल के अरविंद केजरीवाल चाहें तो पार्टी मुख्यालय जा सकते हैं, वहाँ कार्यकर्ताओं से बात करनी हो, नेताओं से मीटिंग करनी हो, तो ये अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। साथ में मनीष सिसोदिया भी पास ही के घर में 41 राजेंद्र प्रसाद रोड है, 32 नंबर राजेंद्र प्रसाद रोड यहाँ से पास ही है, तो मनीष सिसोदिया भी यहीं पास में आ गए हैं। तो कुल मिलाकर ये समझिए कि लुटियन जोन में ही अब आम आदमी पार्टी पूरी शिफ्ट हो गई है, बड़े नेता जो हैं लुटियन जोन में ही दिल्ली के अंदर आ गए हैं। पहले ऐसा नहीं था, मनीष सिसोदिया मथुरा रोड पर रहा करते थे, अरविंद केजरीवाल सिविल लाइन्स में रहा करते थे और आम आदमी पार्टी का मुख्यालय ITO पे हुआ करता था। अब ये सारी चीज़ें ही एक जगह आ गई हैं। तो अरविंद केजरीवाल लगभग 11:30-12 बजे के आसपास ये जो घर है यहाँ पर पहुँचे और पूजा करके इस घर के अंदर उन्होंने प्रवेश किया, अपने पूरे परिवार के साथ उन्होंने प्रवेश किया। इससे पहले जो मुख्यमंत्री निवास था 6 फ्लैगस्टाफ रोड, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल मार्च 2015 में मुख्यमंत्री जब वो बने थे, फरवरी 2015 में, तो मार्च 2015 में यहाँ पर 6 फ्लैगस्टाफ रोड में उन्होंने रहना शुरू किया था। तो 9.5 साल बाद जब वो इस घर को छोड़ रहे थे, मुख्यमंत्री निवास को छोड़ रहे थे, तो वहाँ की तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि सारे स्टाफ को उन्होंने धन्यवाद किया, उनकी पत्नी ने धन्यवाद किया, जो मुख्यमंत्री दफ्तर में तैनात हैं, मुख्यमंत्री आवास पर जो स्टाफ तैनात है सबका धन्यवाद किया, सबको जो है गले लगाकर भी जो है धन्यवाद किया गया है। एक बहुत अहम बात वो ये कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद छोड़ ही दिया था तो ये तो तय ही है कि वो मुख्यमंत्री आवास भी छोड़ ही देंगे। तो बात यह है कि पिछले साल की बात है, जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के घर को लेकर विवाद हुआ था, बीजेपी ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर की मरम्मत में, निर्माण में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, बेतहाशा पैसा खर्च हुआ है, आलिशान मकान उन्होंने बनाया है अपने लिए, तो ये आरोप लगाया था बीजेपी ने। विजिलेंस की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह बताया गया था कि 53 करोड़ रुपये कुल खर्च हुए हैं, जिसमें करीब 34 करोड़ रुपये आवास पर और करीब 19 करोड़ रुपये जो कैंप ऑफिस होता है मुख्यमंत्री का उस पर खर्च हुए हैं। कुछ अनियमितताओं के भी आरोप लगे थे, जिसमें अभी मामला CBI को दिया गया है कि किस तरह से ये जो निर्माण हुआ है घर का, मुख्यमंत्री निवास का, उसमें अनियमितता बरती गई है। आम आदमी पार्टी का उस समय भी कहना था कि इसमें कोई करप्शन नहीं हुआ है और अरविंद केजरीवाल ने या जो निर्माण हुआ है ये कोई पर्सनल खर्च नहीं किया है, मुख्यमंत्री का घर है, कल को जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो इस घर में आके रहेगा, तो कहीं कोई कुछ लेकर नहीं चला गया है। तो इसलिए भी जो हैं मुख्यमंत्री निवास के इर्द गिर्द बहुत सारी जो हैं चर्चाएँ चल रही थी। तो अरविंद केजरीवाल ने दो चीज़ें करी, पहली उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर ये संदेश देने की कोशिश की कि उनको पद का कोई लालच नहीं है, बीजेपी आरोप लगा रही थी और इस्तीफा मांग रही थी, उन्होंने तब इस्तीफा नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल लगभग 145 दिन, लगभग 5 महीने मान के चलिए कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, उन्होंने तब इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन जब बाहर आ गए और कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा था अरविंद केजरीवाल ने तब इस्तीफा दिया, ये दिखाने की कोशिश की कि उनको पद का लालच नहीं है। दूसरा, उन्होंने मुख्यमंत्री निवास छोड़कर ये संदेश देने की कोशिश की है कि उनको कोई ऐशो आराम की भी ऐसी ज़रूरत नहीं है, और जो आरोप लगाए गए कि उनको ऐशो आराम चाहिए, बड़ा घर चाहिए, तो उन्होंने वो घर छोड़कर ये संदेश देने की कोशिश की है कि उनको कोई ऐशो आराम या बड़ा
बड़े घर की भी लालसा नहीं है, इसलिए अब अरविंद केजरीवाल इस घर में आ गए हैं जो कि अब लुटियन जोन। अभी तक आम आदमी पार्टी या आम आदमी पार्टी के नेता लुटियन जोन में ही नहीं रहा करते थे, केवल सांसद थे जिनको सांसद फ्लैट या सांसद के जो घर होते हैं वो अलॉट होते हैं वही लुटियन में रहा करते थे। लेकिन अब ये पहली बार है जब आम आदमी पार्टी भी लुटियन जोन में है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी लुटियन जोन में हैं और बड़े नेता मनीष सिसोदिया जो हैं वो भी लुटियन जोन में हैं। सारे के सारे ही जो हैं अब लुटियन जोन में यहाँ पर दिल्ली में जहाँ से दिल्ली की राजनीति चला करती है वहाँ पर आ गए हैं, यानी कि दिल्ली के अब सेंटर में अरविंद केजरीवाल आ गए हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी जयनारायण के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV मीडिया।